शाहजहाँपुर जिले के मोहन बड़ोदिया में जमीन में खेल खेलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरियादी रमेश ने बताया कि उसकी जमीन के सारे कागज उसके पास मौजूद है, लेकिन गुपचुप तरीके से पटवारी और तहसील कर्मचारियों ने सेटिंग करके गांव के दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। पार्थी अपनी जमीन को पाने और जमीन का नामांतरण करवाने के लिए जगह जगह भटक रहा है। उसका नामांतरण नहीं किया जा रहा है और जांच पटवारी के द्वारा भी जांच को लंबा खींचा जा रहा है। जांच पूरी नहीं की जा रही है, साथ ही तहसीलदार महोदय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत SDM को कलेक्टर जन सुनवाई में मुख्यमंत्री को कई बार कर चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही है। गरीब किसान मजदूर इस प्रकार मजबूरी शासन से परेशान हो रहे हैं। मेरी समस्या है कि मेरे पिताजी 2008 में मर गए, तो 18 तारीख के रोज मेरी जमीन मेरे को बताई 1320 वो 1322/8। मेरे पिताजी देख के बोले कि मेरे से पावती जीवन खतरा ले लिया और मेरा नामांतरण इन लोगों ने नहीं किया आज तक। मैंने खूब गया तो ना तो मेरे को पटवारी ने बताया ना तहसीलदार ने बताया, और उस जमीन को गोवर्धन दास फकीर चंद ने उसके खसरा और नामांतरण पंजी पे चढ़ा रखी अवैध तरीके से, और वो चढ़ाने के बाद मेरे पिताजी मर गए। 18 के बताया मेरे पिताजी 23 तारीख के रोज मर गए 2008 की। 23 तारीख के मरने के बाद उनका, क्योंकि मैं जात का चमार हूँ और गरीब आदमी हूँ, उनका कार्यक्रम से निपटा और मैंने उस जमीन की तलाश करी तो 28/11 और 2012 को मेरी जमीन पूरी क्लियर निकली। 1320 और 1322 नंबर 1322/8 पूरी क्लियर पड़ी थी। मैं पटवारी के पास पहुंचा, ओली मोहम्मद पटवारी शाहजहाँपुर मंसूरी के पास, मेरी जमीन मेरे नाम से कर दो, मेरा पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके मैं पूछा, तो उनने कि मेरे लड़के की लड़की की शादी है, मैं वहाँ से आके मैं तेरे नाम से मैं कर दूंगा। तो उस पटवारी को मैंने 2100 रुपये दिए। कौन से पटवारी को? ओली मोहम्मद पटवारी मंसूरी शाहजहाँपुर। जी जी। और वो उसके लड़के की शादी करने के बाद वापस आके मेरे को 2100 रुपये इनने वापस दे दिए। मैंने दस्तावेज पूरे दिए थे उनको, पैसे वापस दे दिए, और मेयर से जो कह दिया गया तेरी जमीन नहीं है। उसके बाद मोहन गुप्ता, ये मैं संतोष गुप्ता, ये मैं घनश्याम गुप्ता और कैप्टन गुप्ता और मनोहर लाल गुप्ता, इनका नाम से फर्जी तरीके से बीवन खसरा और पावती इनके नाम से बना के गए, वो 1320 और 1322 के इतने बटे करे कि आज मैं एक एक टुकड़ा कर बेला करूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं जात का चमार और गरीब आदमी हूँ। फिर मैंने तहसील में मैंने केस लगाया, मेरा पूरा केस चल गया वहाँ से। तहसीलदार साहब की कोई भी गलती नहीं है, पूरी उसकी जाँच पड़ताल हो गई और मोहन गुप्ता से पूरे दस्तावेज मंगवा लिए, लेकिन जो फर्जी बने वो दस्तावेज आज तक ना तो उसने तहसील में लगाए हैं और ना आज तक वो जांच हुई माँ लेके आए हैं। उसके बाद वो जांच उसने पटवारी जी ने खुद ने बोल के कि ये जमीन किसकी है, तो उसने की कि ये बहुरिया मंझा जाति चमार की जमीन है ये, तो तुम काय को बेच रहे। फिर पटवारी जी को अनिल गुप्ता और मोहन गुप्ता ने बोला कि तुम मेरे घर आना, तो माँ से पटवारी जी मदन लाल पटवारी जी नट गए, और उसके बाद पटवारी जी मदन लाल जी मोहन गुप्ता के घर गए और वहाँ बैठे है। उसके बाद मेरे को ना तो रिपोर्ट दे रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं, आज तक रिपोर्ट ही नहीं दी। आपने कहाँ कहाँ शिकायत करी इस बारे में? इस बारे में मैंने PM कन्या भी करी, CM कन्या भी करी, उसके बाद वो हमारा मानव आयोग उसमें भी करी, कमिश्नर साहब कन्या भी बहुत करी, कभी तक मेरा नामांतरण नहीं हो रहा है। मैंने कलेक्टर साहब कन्या भी करी, SDM साहब कन्या भी करी, हरिजन थाने में भी करी, मैंने बहुत शिकायत कर दी और अभी भी 4 तारीख से आज तक भी मैं शिकायत कर रहा हूँ। शाहजहाँपुर से संवाददाता दिलीप सोराष्टी की रिपोर्ट।